भास्कर इलेक्शन नमस्ते, भास्कर इलेक्शन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। जबलपुर के बीजेपी दफ्तर में हंगामा और मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आलाकमान को रिपोर्ट दी। ग्वालियर में भी बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने किया सिंधिया के महल का घेराव। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाने और फोटो पर गोबर पोतने की पड़ताल होगी। आलाकमान से बड़े नेताओं को फटकार। कांग्रेस को हुआ भूल का एहसास। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे अखिलेश यादव से बात। गोंडवाना पार्टी से तालमेल की प्रियंका गांधी की सलाह नहीं मानी गई। और अब विस्तार से बात। जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के भोपाल दफ्तर में हुड़दंग को दोनों दलों ने गंभीरता से लिया है। दोनों पार्टियों ने रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कुछ कार्यकर्ता यदि नहीं बचाते तो उनसे भी मारपीट हो जाती। हालांकि गनमैन की पिटाई तो हो ही गई। उसने सुरक्षा में अपनी रिवॉल्वर निकाली तब कहीं जाकर बच पाया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ससुराल जबलपुर में हुए इस ड्रामे के पीछे टिकट वितरण से नाराजी है। माना जा रहा है कि वहां के टिकट नड्डा ने फाइनल किए हैं। वे सोचते थे कि ससुराल में कुछ नहीं होगा, लेकिन ससुराल वालों ने खेल कर दिया। अंदर की बात यह है कि जिन कार्यकर्ताओं ने शनिवार को उपद्रव किया वो प्रीति वाजपेयी के समर्थक हैं। प्रीति को टिकट नहीं मिला। वे आरएसएस के अभिन्न अंग रहे भगवती धर वाजपेयी की पुत्रवधू हैं। पहले उन्होंने अपने कार्यक्रम में नितिन गडकरी को बतौर खास मेहमान बुलाया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीति को टिकट क्यों नहीं मिला और जेपी नड्डा को कहां से इशारा मिला होगा। मुझे तो एक शेर याद आता है, वो मुझको हुक्म देता है सिपाह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा। उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का नहीं होशियार जो ठहरा। उधर कांग्रेस भी भोपाल कार्यालय में तमाशे से दुखी और नाराज है। उसे लगता है कि ये हरकत पार्टी के ही कुछ नेताओं के इशारे पर हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी जांच करा रहे हैं। पर मैं संकेत देना चाहता हूं कि कल जिन दामोदर यादव के नेतृत्व में सारा बखेड़ा हुआ, उन्हें हाल ही में लखनऊ से एक संदेश मिला था और अशोकनगर की एक सभा में उन्होंने कहा था कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुर्गा बना देंगे और नरोत्तम मिश्र को हम मच्छर समझते हैं। आप इससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से तालमेल नहीं करने की भूल का एहसास अब हो गया है। पर्दे के पीछे अखिलेश यादव से सीधे ही चर्चा करने की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ली है। अखिलेश इससे संतुष्ट हैं। बता दूं कि प्रियंका गांधी ने जबलपुर में गोंडवाना पार्टी से तालमेल की सलाह दी थी, लेकिन वो भी नहीं मानी गई। आगे बढ़ते हैं। राजनीति जो न कराए वो कम है। पहले तो फिर भी उसूल चलते थे, लेकिन अब ये विशुद्ध धंधा बन गया है और धंधा सिर्फ नफा नुकसान की भाषा समझता है। राजनीति न रिश्तों का लिहाज करती है और न उम्र का सम्मान। नर्मदापुरम से दो सगे भाई सीता शरण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा आमने सामने हैं, तो सागर से कांग्रेस की निधि जैन, सगे जेठ बीजेपी के शैलेंद्र जैन के सामने ताल ठोक रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सगे भतीजे से दो दो हाथ कर रहे हैं। बीजेपी की इमरती देवी अपने समधी कांग्रेस के सुरेश राजे को डबरा से आंखें दिखा रही हैं। कभी बीजेपी कहती थी कि 75 साल से ऊपर के लोगों को पार्टी मुख्य धारा में वो नहीं रखेगी। वो अब 80 बरस पार कर चुके वयोवृद्ध लोगों के सहारे नैया पार लगाना चाहती है। एक जमाना था जब माधवराव सिंधिया विजया राजे सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर देते थे। श्यामाचरण और विद्याचरण शुक्ल एक दूसरे की नजरों का लिहाज करते थे। परिवार का विरोध भी बीजेपी करती है और उसकी सूची खानदानों के वारिसों से भरी पड़ी है। सिंधिया परिवार की मामी माया सिंह से लेकर अनगिनत उदाहरण हैं। लेकिन राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के बेटों का हवाला क्या दिया, परिवारवाद का एक मुद्दा फिर से गर्मा गया। बीजेपी कांग्रेस परिवारों की वंशावली निकाल रही है तो कांग्रेस बीजेपी की जन्मपत्री बांच रही है। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्ते।